दोस्तों अभी हमारे पास एक दोस्त का कमेंट आया था, वो बोल रहा था कि जो मेरा घर है नॉर्थ फेसिंग घर है और मैंने जो बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है। ये मैंने वास्तु के हिसाब से इसे बैलेंस किया हुआ है, लेकिन फिर भी जो है कि बीमारी बनी रहती है, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है हर तीसरे चौथे दिन। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो गाइज मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए ये घर है, ये बीच में सेंटर है, आपने नॉर्थ निकाल ही रखा है, ये आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर है। यहाँ पे उस दोस्त ने जो है अपना बेडरूम बना रखा है, तो आप क्योंकि ज़्यादातर लोग हैं जो अपने घर को ग्रिड नहीं करवाते, ग्रिड करवाने के चक्कर में वो ना फिर सारा मामला ख़राब हो जाता है। ग्रिड करवाना ज़रूरी होता है, कुछ दोस्त हैं अपने हिसाब से ही जो बैलेंस कर लेते हैं। जैसे ये साउथ है इस साइड, और इसके पास एक डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट, और उसके बाद होती है साउथ वेस्ट। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो आपका बेडरूम आपने बना रखा है, जो आपने खुद ने ही अपने हिसाब से बैलेंस कर लिया है, वो अगर मान लीजिए ये बेडरूम है, तो दोस्तों आपने यहाँ पे साउथ वेस्ट है, आपने अपना बेडरूम बना रखा है, चलो ठीक है, उसके पास एक डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट की। अब जो दोस्त अच्छे से ग्रिड नहीं करवाते या फिर किसी वास्तु कंसल्टेंट की सलाह नहीं लेते, तो वो क्या करते हैं, वो कंपास से अपना एरिया देख लेते हैं, घर का नक्शा खुद ही बना लेते हैं, और वो साउथ वेस्ट देख लेते हैं। अब उसके कमरे में मान लीजिए साउथ साउथ वेस्ट भी आ रहा है और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन भी आ रही है, तो अब गलतियाँ कहाँ होती हैं? गलतियाँ मान लीजिए उसने अभी सोचा साउथ वेस्ट का रूम है, ये पूरा रूम है, तो उसने अपना बेड है जो यहाँ पर लगा लिया साउथ की तरफ, और इसी साइड उसने अपना सिर करके वो सोता है। तो अब जो उसकी जो बेड है वो उसका कुछ हिस्सा आ गया साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर, हालांकि उसके बेड के अंदर और भी सामान रखा होगा, वो उसने यहाँ वहाँ एडजस्ट कर लिया होगा, लेकिन जो उसका बेड का हिस्सा है वो साउथ साउथ वेस्ट के अंदर आ गया होगा पूरा, नहीं तो आधा आ गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो डायरेक्शन होती है साउथ साउथ वेस्ट की दोस्तों, ये डिस्पोजल की डायरेक्शन होती है और बहुत ही ख़तरनाक डायरेक्शन होती है। एक दो दिन आपको यहाँ पे लेटना हो सोना हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जैसे ही आप यहाँ पे लंबे टाइम के लिए सोना शुरू कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी। ये डिस्पोजल का जोन है, यहाँ पर जो भी चीज़ आएगी वो ख़त्म होती चली जाएगी धीरे धीरे। अगर यहाँ पर कोई इंसान सोएगा तो गाइस वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाएगा, और उसको पता भी नहीं लगेगा मेरे क्या बीमारी है, बस वो डॉक्टर के पास आपके चक्कर लगते रहेंगे, पैसा जाता रहेगा, पैसा होता रहेगा, और आप दवाइयाँ खाते रहेंगे और आप हमेशा परेशान रहेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर बिल्कुल ही वीक होता चला जाएगा। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिए, अगर आप खुद से ग्रिड करते हैं तो आप साउथ साउथ वेस्ट की डायरेक्शन का जरूर ध्यान रखिए, जो साउथ वेस्ट के पास ही होती है। आप साउथ वेस्ट को मान के ना चले कि हमारा पूरा कमरा साउथ वेस्ट में है, क्योंकि एक एक कमरे के अंदर तीन तीन चार चार डायरेक्शन आ जाती हैं। तो आप उसी हिसाब से पहले तो ग्रिड करवाना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी आप थोड़ा ध्यान रखिए कि साउथ साउथ वेस्ट में अगर आपकी सोने की डायरेक्शन बैठने की डायरेक्शन आ रही है, और रोज़ आप वहाँ पे बैठते हैं सोते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपका आधा बेड भी है और आधा हिस्सा भी आपका इस वेस्ट में डायरेक्शन में आ रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम शुरू होनी शुरू हो जाएंगी इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये कुछ कारण होते हैं दोस्तों जिससे समझ में नहीं आता, क्योंकि दोस्त सोचते हैं हमने अपना घर बैलेंस कर लिया वास्तु के हिसाब से, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम चल रही है, उसके ये कारण होते हैं, ऐसी डायरेक्शन होती हैं जो ख़राब करती हैं। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।